हम बात कर रहे हैं HFCL की। अगर लास्ट ट्रेडिंग की बात करें तो हमको इसमें 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हमने देखा स्टॉक ने 87 के लेवल से गिरावट बताई थी और हमने इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस किया था कि स्टॉक 82 के लेवल को सपोर्ट बनाकर काम कर रहा है। अगर गिरावट आती भी है तो वैसे कंडीशन में हमको 80 तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है क्लोजिंग हमको 84 के ब्रेकआउट करके मिले, हमको क्लोजिंग तक 84 का ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ जाए, ये जो इसका जहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था। और देख सकते हैं हम कि हमको 84 के क्लोजिंग पर ही इसने 84 के ब्रेकआउट पर ही क्लोजिंग बताई है। हमने इसको डिस्कस किया था ऑलरेडी। एक हमारे लिए अच्छी बात रही कि स्टॉक ने 84 के लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो 82 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, जहां इससे पहले सपोर्ट कैसे लेकर बाउंस बैक बताया। इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो 80 का जो लेवल एक तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है, 80 का लेवल। स्टॉक इस वक्त अपने सपोर्ट जोन पर ही है। वैसे अब हमको नज़र रखना है इस लेवल पर। अगर मंडे को इसमें हमको तेज़ी देखने के लिए मिलती है तो यहाँ तक का जम देखने के लिए मिल सकता है, 87.50 तक का जम देखने के लिए मिल सकता है, ये जो इसका है वहाँ तक का। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। एक इसमें तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है HFCL में। अगर यहाँ तक का हमको जम देखने के लिए मिल जाता है तो ऐसे कंडीशन में इस लेवल को भी स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, 87.50 के लेवल को। और हमको 90 तक का भी इसमें जम देखने के लिए मिल सकता है, 90 तक का जम देखने के लिए मिल सकता है। अगर 90 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो ऐसे कंडीशन में फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट बनने वाला है 100 का लेवल। HFCL में हमको शॉर्ट टर्म में ही 100 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि देखा स्टॉक ने गिरावट के बाद इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, हमको यहाँ से बड़ी गिरावट नज़र नहीं है, यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमको और तेज़ी इसमें नज़र आ सकती है। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।